अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल गुड। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाई अपनी ब्रांच नंबर 1 पे, और इंशाल्लाह ब्रांच 2 पे भी जाना है। वहाँ के आप लोगों को कुछ जानवर दिखाने हैं। अभी काफ़ी सारे विजिटर्स वगैरह भी आए हुए थे, थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया इसी वजह से कि विजिटर्स को देख रहे थे और काफ़ी रश माशाल्लाह से होना शुरू हो गया। मेरे को भी माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए थे। कल की वीडियो इसी वजह से नहीं बन सकी, थोड़ा सा लेट भी हो गए थे और काफ़ी सारे विजिटर्स भी थे। बाकी भाई फॉर सेल का माल मैंने दिखाया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है। और लोगों को बाकी मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई आप लोग विज़िट ज़्यादातर करें, क्योंकि जो एक्चुअल में दिखता है जानवर वो वीडियोस में इतना समझ में नहीं आता। तो मैं रिकमेंड आप लोगों को यही करूँगा कि भाई अगर जानवर आपको पसंद आता है कोई भी, तो आप पहले आके विज़िट करें, जानवर को देखें, अच्छा लगे तो पैसे लगाएं, वरना फिर मैसेजेस पे काफ़ी सारे लोग जो है ना वो पैसे जो है ना अपने हिसाब से लगा रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप लोग विज़िट करेंगे ज़रूर, और काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। अभी भी मैं ब्रांच 2 पे जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी देखते हैं, कुछ लोग वहाँ पे भी आए हुए, तो ब्रांच 2 पे चलते हैं। और यहाँ की अपडेट आप लोगों को बता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही माल को जो है ना इन लोगों ने ना नहला दिया और नहला धुला के खड़ा किया माशाल्लाह। सारे ही बछड़े बड़े ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पे ब्रांच 2 पे भी सारे ही बछड़ों को माशाल्लाह से नहला दिया। अभी मैं ब्रांच 2 पे ही गया था, अभी वापस मैं ब्रांच 1 पे आया हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे, अभी वापस जो है मैं ब्रांच 2 की तरफ जा रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि ब्रांच 2 पे चल के आप लोगों को सारा माल दिखाऊं, ब्रांच 2 पे जो भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। बाकी एक और अपडेट है भाई, हमारे पास कुछ बकरे आए, और वो बकरे कहाँ से आए ये भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आप लोगों को। भाई मान जो है वो, और मान उसामा, ये लोग जो है ना टंडो आदम की मंडी गए हुए थे, तो वहाँ से कुछ बकरे जो है ना यहाँ पर आए, तो वो आप लोग देखें। और उसमें कुछ बकरे जो है ना, कुछ नहीं 14 बकरे हैं, 14 के 14 अल्हम्दुलिल्लाह सेल के लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो चुके हैं। तो अब 12 बकरे जो है ना वो अवेलेबल फॉर सेल हैं, तो नज़र उन पे डाल लेते पहले जाते जाते, फिर इंशाल्लाह ब्रांच 2 पे चलते हैं। अच्छा जी, तो ब्रांच 2 पे जाने से पहले भाई ये क्या हो गया, ये कितने बकरे यहाँ पे क्या आ गए भाई, कहाँ से आ गए ये बकरे अशरफ? लो भाई, इन लोगों को भी नहीं पता भाई कहाँ से बकरे आए। माशाल्लाह यार, ये चेक करो, ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, कुछ बकरे जो हैं फॉर सेल के लिए आए हैं। यार इनमें से कुछ खोल के तो दिखाओ, इधर तो लेकर आओ, खोल के दिखाओ इनमें से कुछ। चलो भाई एक एक करके ज़रा निकाल के तो दिखाओ कौन कौन से बकरे आए। बड़े बड़े बकरे लग रहे हैं भाई माशाल्लाह, ये 2 तो बड़े बकरे हैं माशाल्लाह। अच्छा भाई ये बताता चलूँ, ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि हाँ सारे निकाल के तो दिखाओ एक एक करके ज़रा, कैसे बकरे आए माशाल्लाह। आओ भाई ले आओ भाई ले आओ भाई, अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, रुक जाओ भाई रुक जाओ, अरे होए होए, ये बड़ी हाइटेड बकरा है यार माशाल्लाह। ओए होए क्या बात है क्या बात है, अरे बड़ा यार, ये तो सूरत बकरा है यार, इसको पकड़ना ज़रा माशाल्लाह। यार बड़े बड़े बकरे हैं भाई, बड़े बड़े बकरे आ गए भाई माशाल्लाह, 14 बकरे हैं भाई। ओए होए यार, ये बकरा बड़ा खूबसूरत है यार माशाल्लाह, ऐसे तो ये भी अच्छा है भाई, क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। मंडी लग गई भाई, मंडी लग गई है बकरों की माशाल्लाह। ले आओ ले आओ, इधर लेकर आओ। अरे यार ये टापरा भी अच्छा है यार, बिस्तर टापरों में आ रहा है माशाल्लाह। ओए होए पेड़े पे खड़े हो गए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, 14 के 14 बकरे जो है ना, क्या बात है। मंडी लगा दी क्या, क्या पुट्टा क्या दे रहे हो भाई, ये पुट्टा क्या चल रहा है, हैं कितने का है, यही तो पूछ रहा हूँ तुझसे, कितने का है ये। यार बड़े बड़े बकरे हैं यार माशाल्लाह खूबसूरत। ओए होए क्या बात है भाई क्या बात है, मंडी लग गई है भाई, और क्या ही बात है भाई। इनमें से 2 बकरे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो चुके हैं, अब वो कौन से इंशाल्लाह वो आगे आने वाली वीडियोस में आप लोगों को पता चल जाएंगे। बाकी फॉर सेल के लिए अवेलेबल हैं ये बकरे भी, तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। और जिस किसी को भी अगर कोई समझ में आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो भेज दें माशाल्लाह, बेहतरीन यार। ये देखें क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह। चले अच्छा जी, तो भैया अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए थे ब्रांच 2 पे, और ब्रांच 2 पे ये पठान कहाँ जा रहा है, ब्रांच पठान भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो उसको? अच्छा पेड़े पे लेके जा रहे हो, चलो तो भाई तो पठान पेड़े पे जा रहा है। तो काफ़ी देर से हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांच 2 पर हैं, और यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स को लेकर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके पीछे एक और बछड़ा आ रहा है, और वो कौन सा है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। और इनके हवाले से
कुछ तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह पठान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो गया, और पठान के साथ साथ भाई जुगनू वो नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहा है, और जुगनू और पठान दोनों जो है ना दोनों को साथ दिखाते हैं, थोड़ी सी शॉर्ट सी वीडियो है इंट्रो वहाँ पे लिया था हमने, दोनों को चढ़ाओ तो दोनों को इंशाल्लाह दिखाते हैं और आप लोग बताइएगा कैसे हो रहे हैं। तो दोनों इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के ऊपर जा रहे हैं, हमारा जो पठान है उसका थोड़ा देखते हैं कि क्या इरादा है उनका, क्या करते हैं। वैसे तो दोनों इस साल जाएंगे वैसे उनके घर पर और घर से फिर वापस भी आएंगे, तो बहरहाल देखते हैं और आप लोगों ने बताना है कैसे हो रहे हैं। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बछड़े आ गए हैं भाई अल्हम्दुलिल्लाह, और खैर इसकी तो हमने वीडियो डाल ही दी है, फॉर सेल के लिए अवेलेबल था लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो गया है हमारे दीन भाई को। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई चेक करें बछड़े को, माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई माशाल्लाह से बेहतरीन बछड़ों में से एक, हमारी फार्म की जो है ना एक तरीके से समझ ब्यूटी माशाल्लाह से सोल्ड हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह बनाओ के एतबार से भाई इसको खस्ती करवाया तो उसके बाद इसने जो अपनी वजन किया है ना माशाल्लाह माशाल्लाह फुल फ्रेम में आप लोगों को दिखाता हूँ। माशाल्लाह बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह ये चेक करें क्या बात है। तो भाई ये देखें इसके हवाले से इंशाल्लाह देखते हैं, वैसे तो घर पर जाएंगे दोनों बछड़े जाएंगे शौक़ के लिए घर वालों के लिए उनके, लेकिन ये है कि फिर वापस आ जाएंगे मे बी पॉसिबल, शायद ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी जा रहे दोनों ही ये इंशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह जो है ना खस्सी होगा माशाल्लाह, और फिर जो है इस पर इस साल भी खस्सी करके इसका जो फिर रंगत आएगी ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये देख रहे हैं ब्राउनिश जो आ रहा है ना इस रंगत में ये माशाल्लाह से आएगा, तो क्या ही बात है भाई यार। एक एक करके थोड़ा सा चला के तो दिखा दो दोनों को, माशाल्लाह माशाल्लाह ये चेक करें भाई बच्चे को, अरे हाय थोड़ा सा रोशनी की तरफ देखिए, माशाल्लाह ये चेक करें भाई बच्चे का बनाओ, ओए होए 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 यार नीचे लिया इसको भी नीचे लिया, जुगनू को भी नीचे लिया, और ये बचा हमारा जो जुगनू है इंशाल्लाह खस्सी होने के बाद जो है ना इसने अपने आप को और मज़ीद खोलना है माशाल्लाह, और बनाओ के अतबार से अभी भी माशाल्लाह से बहुत बनाओ में माशाल्लाह से बच्चा, गर्दन चेक करें बच्चे की क्या बात है माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए होए माशाल्लाह थोड़ा सा सामने से चला के तो लेकर आओ माशाल्लाह, सामने 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 माशाल्लाह भाई माशाल्लाह क्या ही कहना है भाई दोनों बछड़ों का, और दोनों ही बछड़े माशाल्लाह से नेक्स्ट ईयर पे जा रहे हैं, और बस दुआओं में याद रखें और कुर्बानी के लिए कुर्बानी लवर को सोल्ड हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्या ही इंतहाई खूबसूरत माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो क्या कहते हैं भाई आप लोग बच्चे के बारे में, ज़रूर बताइए कैसा हुआ हमारा पठान और हमारा जुगनू माशाल्लाह ये चेक करें, होए होए चलो ले जाओ इसको पठान को ले जाओ माशाल्लाह क्या बात है, ले जाओ इसको भी ले जाओ जुगनू को, चलें दोस्तों माशाल्लाह क्या बात है माशाल्लाह, होए होए। अच्छा दोस्तों तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट थी, और हम अपने पास अपने हमारे मौलागढ़ के पास आ गए हम माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तो आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं और आप लोगों को मौलागढ़ भी दिखाई देते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, और इसका इरादा जो है इंशाल्लाह अब वक्त आ गया है इसको खस्सी करवा के जो है ना इसको शौक करने का। बाकी भाई मैंने आप लोगों को बताया था कुछ बछड़े जो हैं हमारे वो मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं बछड़ों में से जो कि कुर्बानी के लिए होने जा रहे हैं, अब वो कौन कौन से सेलेक्ट किए थे वो मैंने आप लोगों को बताया भी था, जिसमें से हमारा अखरोट है और हमारा ये क्या कहते हैं लड्डू है, और लड्डू के बाद हमारा बुर्राक था। तो भाई के कुछ कमेंट आए कि आप जो है ना बुर्राक की कुर्बानी करें, तो भाई इस साल की किसकी कुर्बानी होती है इंशाल्लाह जल्द आने वाली वीडियो में ना आप लोगों को पता चल जाएगा। बाकी घर वालों को भी दिखाया है मैंने, तीनों बछड़े दिखाए तो घर वालों ने भी डिसाइड कर लिया है कि कौन से बछड़े जो है ना इंशाल्लाह कौन सा बछड़ा जो है वो इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे हम इस साल, तो बस चाचा को भी दिखाना है, चाचा को भी वैसे दिखा दिया इंशाल्लाह, तो ज़रूर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को अपनी कुर्बानी का जानवर इंशाल्लाह दिखा रहे होंगे, और यहाँ जो है वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, और कल इंशाल्लाह आप लोगों को फुल अपडेट देते हैं दूसरे जगहों के यानी कि फार्म की। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह।